1 hour later. हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल द वैल्यू ऑफ कस्टंजना. और आज छुट्टी का दिन है तो मैं बहुत रिलैक्स मूड में हूँ, बहुत ज़्यादा गुड फील कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कूल सा लगता है. बाहर इतना टेम्परेचर है कि कल तो एकदम दम निकल रही थी, आते समय ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है. तो आज थोड़ा सा चिल लग रहा है, घर पे गुड लग रहा है. तो फ्रेंड्स, मैं आजकल कुछ रैंडम ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, रैंडम वीडियोस बनाती हूँ. तो आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो बताइएगा, क्योंकि मेरा मतलब किसी ने सजेस्ट किया था कि आपको ऐसा बनाना चाहिए और डेली रूटीन जो आपका कैसी लाइफ है उसको बताना चाहिए. तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, वाई नॉट, क्योंकि बाकी सब वीडियो के साथ साथ क्यों ना मैं इसको भी ट्राई करूँ. और इससे एक चीज़ मोटिव है कि इसे पहला तो आप लोगों को पता चलेगा मेरी लाइफ के बारे में कि मेरा कैसा रूटीन रहता है, और दूसरा कि अगर ये सब व्लॉग मैं जब बाद में देखूंगी ना तो मुझे एक मेमोरीज मेरी कैप्चर हो जाएंगी. तो दिस इज़ द रीज़न. और दूसरा कि मुझे आज कितने सारे काम हैं. सबसे पहले आज मैं बैठूंगी, अभी थोड़े पहले बस बैठ ही रही हूँ, और उसके बाद मुझे कल की जो मीटिंग लगी मेरी उसका प्रिपरेशन करना है और ये नोट्स उसके बनाने हैं. तो मुझे नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स करने हैं, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे राशन पानी का सामान लाना है, और उसके बाद कल मैं मिलने वाली अपने फ्रेंड से. तो मैं वीडियो शूट करूँगी वहाँ पे, आप लोगों को भी मिलाऊंगी. तो सीमा और गोलू दीदी, इन लोगों ने अपनी जो ड्रेस है वो तो फाइनल कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं सोचा मुझे क्या पहनना है. तो मोस्टली मैं जीन्स कैरी करती हूँ और उसके साथ कुछ बाहर मतलब कैजुअल जब जाती हूँ तो ऐसे कैरी कर लेती हूँ. अब मैं सोच रही हूँ कि टॉप का कलर मुझे ढूंढना है, कि हम लोग ट्विनिंग अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं. तो मुझे बस अपना टॉप फाइनलाइज करना है, क्योंकि सब लोग कह चुके हैं आई एम ही पीछे. तो उसको प्रेस करके रख लूँगी. तो बस मेरे पास इतने से काम है, और बाकी तो काम जो टपकेंगे तो वो कर लिए जाएंगे बीच में. बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, छुट्टी का पूरा मज़ा ले रहे हैं, समझ में आ रहा है. तो फिर मिलते हैं. अब हम जा रहे हैं मार्केट, ये मम्मी तैयार हो चुकी हैं, बहुत जल्दी में एकदम खिसक गई हैं. तो गाइस जा रहे हैं मार्केट, मम्मी को लेके जाना है किसी काम से मार्केट. और उधर आप देख सकते हैं कि वो जो गठरी रखी हुई है, प्रेस वाले भैया को ही बुलाना है, तो उनको भी बुला के लाएंगे, प्रेस के कपड़े देने हफ्ते भर के. तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट. आज मम्मी को मार्केट जाने का मन है, उनको बहुत कम होता है, वंस अपॉन ए टाइम साल में एक बार, तो इसलिए उनको लेके जाने बनता है मार्केट. तो आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, और उनको छोड़ने के बाद में कुछ घर के सामान है वो बाद में लेके आऊंगी. तब तक दीदी दरवाजा बंद करने आ रही है. चलो बंद करो दरवाजा, आइए. हेलो, हेलमेट नहीं, हेलमेट होता है, हेलमेट. कुछ बैठने के लिए तो देखो, मम्मी को मार्केट जाने से पहले सोचा थोड़ा सा जूस पिला दे, और भैया चेयर लेके आए हैं. भैया केतली होगी, केतली वो सॉरी वो पूछने वाला होगा. हाँ अच्छा, तो यही लग रहा है. मम्मी को लेके आए हैं, मम्मी की पसंद की जगह खाने के लिए. खाते हैं कैसी लेनी है, स्टील की लेनी है भैया, पत्थर की भी आती है. मम्मी आ रही है, केतली तो मिली नहीं उनकी पसंद की जैसे चाहिए थी, और क्योंकि भी वो साइज नहीं है तो अब दूसरी दुकान में एक बार देख लेते हैं. ये बड़ा वाला, अच्छा वही है ना. और एक भैया ने ये दिखाया है, ये वाला, और स्टील का होगा, 150 का ना. तो अब ले रहे हैं हम यहाँ पे आके सब्जी. Few moments later. भैया कहाँ गए? ऐसी है? नहीं नहीं, सब कुछ था मेरा बस. नहीं नहीं, पेज वाली है ना, अलग अलग पेज तो मेरा ही था, सब सामान मेरा ही था. हाँ पेटीकोट क्रीम कलर का पेटीकोट दिखा दीजिएगा. क्रीम पेटीकोट निकाल दो, दस से लेंथ सही होनी चाहिए ना. क्रीम पेटीकोट दिक्कत
ठीक है, चल रही भैया गर्मी है। एक पतले वाले भी आते हैं ना, लंबे वाले भी। हाँ वो नहीं और तो लिया हमारे पास। नहीं नहीं, इधर से तो यही वाले लिए हैं, लेकिन पूछ रहे नहीं वो लंबे वाले कोई और बना, मतलब दूसरे लोग बनाते हम लोग नहीं। मैं गई थी, मेरे साथ थक गई तो इनको छोड़कर मैं दोबारा सामान लेने गई थी। अब मम्मी को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले गया। मैं आ गई, अब मैं अपना हेलमेट ले लेना। हाँ हेलमेट पहनने से ही मेरे ये दर्द होता है, ये नहीं साइज सही है, कानी में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। चलो मैं फिर देख आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये वाला ब्लाउज, ये देखिए पेटीकोट सही है, यही चलेगा ना। हाँ अरे ये साड़ी का नहीं, जो दीदी ने पहले लाई थी उस साड़ी का, मतलब ये लाई हूँ घर में पहने के लिए, और ये साड़ी के साथ ही लेके आई हूँ। साड़ी अभी देनी है, देख साड़ी नहीं देके आ पाई, ये लो माला ठीक हो गया। साड़ी देने जा रही है ना। अरे यार थक गई हूँ। साइड क्या मोती तो उतनी है ना, साइड कैसे करेगा, पानी पड़ेगा तो ढीला होगा। तो आप बोल रहे हैं शाम के साथ, और जैसे मैंने कहा था कुछ काम अनएक्सपेक्टली आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मार्केट का काम जो मैंने सोचा था उसके अलावा कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ गया था। तो वैसे आज की डेट में सब फाइनली सब कुछ निपट गया है, अब बारी है कल के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने की, मीन्स टॉप सेलेक्ट करने की। तो पूछते हैं दीदी से भी क्या पहनना चाहिए, तो पूछते हैं। चलिए ये है ब्लू टॉप, दीदी बताना। मैंने ये सब टॉप निकाल रखे हैं, ब्लू वाला, ये वाला, पिंक वाला, वाइट टी शर्ट निकाली है, ये नेवी ब्लू डार्क पड़ेगी, शर्ट भी निकाली है, और अगर मैं जीन्स पहनूं है ना, और वैसे वो अगर स्कर्ट तो वैसे शायद ही पहनूं। मेरे पास तो सबसे पहला नंबर वाइट टॉप अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू मौसम। अच्छा तो चलिए मैं इसको रख लेती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि या तो मैं कल ये वाला तैयारी करूंगी, और या फिर देखते हैं ये वाला कर सकती हूँ, और इन दोनों में से कोई देखती हूँ कर लूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इन सबको समेट के रख देती हूँ, आज का ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से था, तो मैं आप लोगों के साथ आजकल अपना डे शेयर करती हूँ, और आप लोग के अपने डेली रूटीन के साथ रूबरू कराती हूँ। तो अब जो समय हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी, और उसके बाद करूंगी डिनर, और उसके बाद मैं अपने कल जो मीटिंग लेनी है उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करूंगी, और जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि मुझे कल भी छुट्टी है, फिर भी मुझे कल जल्दी उठना है। मुझे उठना है कल भी 4 बजे, ताकि मैं नहा धो लूं मीटिंग से पहले, और नहा धोकर तैयार होकर बैठूं। और एक बार यहाँ पे मिला देते हैं आपको, दीदी से मिला देते हैं। ये दीदी बैठी है अपना कुछ ऑफिशियल काम कर रही है, ये चल रहा है स्कूल का काम जो हो नहीं पाया है पूरा, तो उसे घर पे कर किया जा रहा है, और क्योंकि स्कूल में बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा है, टाइम चेंज हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई माँ गठरी बार बार मुझे दिख जाती है, तो मुझे याद आ जाता है कि अब तो भैया नहीं आए। ये देखिए जैसे गांव में नहीं होता था कि लोग वो चलते थे गठरियां बना बना के, तो कुछ वैसा ही वाला फील आपको आ रहा होगा। तो इसको इग्नोर करिएगा, पीछे का जो जितना भी मेस पड़ा उसको इग्नोर करिएगा, अभी मैं सब समेटने जा रही हूँ। तो ओके, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।